So, आज हम डिस्कस करने वाले जो मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू किया गया है फॉर द टी वाई बी कॉम सेमिस्टर फाइव एग्जाम सो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि टाइम टेबल कब आएगा टाइम टेबल कब आएगा एंड फाइनली टाइम टेबल केम टूडे और टाइम टेबल आप सभी को मिल चुका होगा तो उस टाइम टेबल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे टाइम uh, के बारे में भी डिस्कस करेंगे बेसिकली टाइम टेबल में जो टाइम है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और uh, अभी आने वाले टाइम में जो इतना कम टाइम बचा है उसमें आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए कैसे फोकस करना है आपको और एक ओवरऑल uh, जो हम हर सब्जेक्ट के लिए जो लाइव सेशंस लेने वाले है उसके बारे में भी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और ये वीडियो से आपको काफी बेनिफिट मिलेगा तो तो लास्ट लास्ट तक बने रहे तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक्जैक्टली exactly कि हम किस तरीके से लाइव सेशन लेने वाले हैं तो बीच में स्किप ना करें तो ध्यान से सुने तो पहले हम टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे सो तो जो टीवाई बी कॉम सेमेस्टर फाइव का जो टाइम टेबल है मैंने लास्ट लेक वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया था कि द डेट विच इज फाइनलाइज टेंथ ऑफ अक्टूबर तो टेंथ ऑफ अक्टूबर से uh, आपके पेपर जो है वो शुरू होंगे तो इफ यू सी द टाइम टेबल तो आपने अगर टाइम टेबल देखा है मे बी आपको टाइम टेबल के पॉइंट ही डिस्कस करके बताता हूँ तो so, अगर हम हमारा फर्स्ट uh, पेपर देखें तो टेंथ ऑफ अक्टूबर को हमारा फर्स्ट पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दैट इज पेपर सिक्स पेपर सेवन एंड दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पहला आपका जो पेपर है वो होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड दिस पेपर विल बी ऑन टेंथ ऑफ अक्टूबर को आपका पहला पेपर होगा टाइम uh, कुछ इस बार अलग किया है to PM. So, afternoon के session में आपका टाइम है तो so, इसको एक प्लस पॉइंट के जैसे आप ले सकते हैं कि मॉर्निंग का जो शेड्यूल है वो आपको पढ़ने के लिए मिल सकता है तो दैट इज योअर फर्स्ट डे दस अक्टूबर को आपका एग्जाम होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का दस uh, अक्टूबर को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद अगर देखे तो बाकी भी बहुत सारे पेपर्स है जैसे आपके पेपर्स होंगे वो देख सकते हैं हम जनरल पेपर्स को डिस्कस यहाँ पे करेंगे सेकेंड जो पेपर आपका होने वाला है दैट विल बी ट्यूजडे एंड इट इज इलेवेंथ ऑफ अक्टूबर तब आपका पेपर होने वाला है कॉस्ट अकाउंटिंग का तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन था कि छुट्टियां क्यों नहीं मिली बीच में आ, थियरी पेपर्स के लिए टाइम चाहिए तो एक एडवांटेज है आपके पास ये समझो कि पेपर जल्दी खत्म हो रहा है पहला और दूसरा कि आफ्टरनून सेशन रख दिया तो आपको क्या हो जाएगा कि आफ्टरनून सेशन की वजह से आपको जो भी टाइम है मॉर्निंग का वो आपको पढ़ने के लिए मिल पाएगा तो इलेवेंथ ऑफ अक्टूबर को आपका पेपर रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग का इलेवेंथ अक्टूबर के बाद आपका ट्वेल्थ अक्टूबर को पेपर रहेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का दैट इज इकोनॉमिक्स थर्टींथ अक्टूबर को आपको पेपर रहेगा कॉमर्स फाइव का दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग तो मार्केटिंग का पेपर आपको रहेगा थर्सडे को दैट इज थर्टींथ ऑफ अक्टूबर थर्टींथ ऑफ अक्टूबर के बाद आपका पेपर रहेगा फोर्टींथ ऑफ अक्टूबर का ये फोर्टीन ऑफ अक्टूबर का पेपर जो है दिस विल बी फॉर इज डायरेक्ट टैक्सेस का जिनका सब्जेक्ट है बिकॉज इट इज एन अप्लाइड कंपोनेंट तो हर बच्च हर कॉलेज के बच्चों को ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा जिस जो भी बच्चों ने ये सब्जेक्ट को अप्लाइड कंपोनेंट में सिलेक्ट किया है उनको ही इसका एग्जाम देना है एंड दैट इज डायरेक्ट टैक्स Uh, फिर uh, 17th को एक्सपोर्ट मार्केटिंग है जो बच्चों ने एक्सपोर्ट मार्केटिंग लिया है ये भी एक अप्लाइड कंपोनेंट है और जब जो दिन को आपका पेपर नहीं है जैसे सत्रह तारीख को एक्सपोर्ट मार्केटिंग है तब जो भी बच्चों ने एक्सपोर्ट मार्केटिंग नहीं लिया है उनको उस दिन छुट्टी रहेगी फिर एटीन ऑफ अक्टूबर को एटींथ ऑफ अक्टूबर की अगर बात करें तो उस दिन आपका पेपर बहुत सारे पेपर है वैसे तो एक जनरल पेपर जो यूजली बहुत सारे कॉलेज के बच्चे अटेम्प्ट करते हैं अपियर कर लेते हैं और सिलेक्ट भी करते हैं एंड दैट पेपर इज कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन तो अठारह तारीख को ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर जो मैंने सब्जेक्ट डिस्कस किए वो अगर आपने लिए है जैसे कि टैक्सेशन एंड कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस तो एटीन को आपका एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एटींथ को आपका एग्जाम जो है वो खत्म हो जाएगा देखो एग्जाम स्टार्ट होना और एग्जाम खत्म होना ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है एग्जाम लेकिन अभी आपको कुछ चीजें ऐसी ध्यान रखनी है जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी जैसे मैंने लास्ट वीडियो ऑलरेडी आपको बताया था कि इस कम टाइम के लिए आपकी एग्जाम के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए तो अभी जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक ओवरऑल जो टाइम टेबल है वो तो हमने डिस्कस कर लिया है अब आपको क्या क्या चीजें यहां से इस चैनल से एग्जाम के लिए मिलेंगी देखो जैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए हैं अगर आपने वो सब नहीं देखा अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हो तो मैंने सारा प्लेलिस्ट बना के रखा है आप यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट और आप वहां से सारी चीजें रेफर कर सकते हो लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं ध्यान से सुनना बिकॉज दिस आई विल बी

टाइम बराबर से याद रखना जिस दिन आपका पेपर है उसके एक दिन पहले 9th ऑफ अक्टूबर को हम लाइव सेशन लेने वाले हैं youtube पे लाइव रहेगा लेकिन उस youtube के सेशन में मैं जितनी चीजें आपको बताऊंगा वो सारी चीजें सारे लोगों को पता चलनी चाहिए सारे स्टूडेंट्स को पता चलनी चाहिए बिकॉज़ उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अभी आपने सारी चीजें पढ़ ली है तो लास्ट मिनट में क्या चीजों के ऊपर फोकस करना है आप कैसे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं कौन से चैप्टर्स में में कौन से टाइप के एडजस्टमेंट्स यूजुअली पेपर आते हैं तो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू रिवाइज तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम से पहले मिलेगी तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना है इसका फायदा आपको ही होने वाला है फायदा ये होगा कि जब भी लाइव जाऊंगा तब आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा तो दैट विल बी द पॉइंट वी विल बी हैविंग तो एग्जाम के एक दिन पहले नाइन ओ को हम लाइव सेशन लेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो एक दिन पहले लाइव सेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेंगे जिस दिन कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके एक दिन पहले रात को नौ बजे कॉस्ट अकाउंटिंग का सेशन लेंगे तो ये आपको काफी हेल्पफुल सेशंस होने वाले हैं जिसमें हम पूरा टॉपिक स्टार्ट से लेके एंड तक जो लास्ट मूवमेंट पे आपको ध्यान रखना है एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करना है जो आपने भी चीजें रिवाइज की होगी और मैं भी यहाँ पे आपको रिवाइज करवाऊंगा तो विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू आई नो ऑल ऑफ यू आर वेरी टेंस बिकॉज आफ्टर टू ईयर यू आर अपियरिंग फॉर दी ऑफलाइन एग्जामिनेशन लेकिन जितनी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जितनी चीजें आपने पढ़ी है उसके बेसिस पे अगर आप ध्यान से प्रैक्टिस और ध्यान से चीजों को कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको हंड्रेड परसेंट बेनिफिट मिलेगा और अच्छे परसेंटेज भी आपको आ पाएंगे तो आज का वीडियो जा, जा, जो भी हमने डिस्कस किया है उसमें हमने सिर्फ टाइम टेबल और एक ओवरऑल मैंने ब्रीफ आपको आइडिया दे दिया कि हम आगे कैसे बढ़ने वाले है बाकी आपको रूटीन सेशन मिलते रहेंगे रिकॉर्डेड सेशन जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करते रहता हूँ वो भी आपको मिलते रहेंगे आरएसएम शॉर्ट्स भी आपको मिलते रहेंगे मैं मेरे साइड से सा आपको हंड्रेड परसेंट प्रोवाइड करने का ट्राई करूंगा उससे आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिल पाए एंड बिफोर द एग्जाम एक दिन पहले हम रात को नाइन ओ को लाइव सेशन भी लेंगे तो आपको ये वीडियो आपके फ्रेंड्स में शेयर करना है आपके जो भी फ्रेंड्स का एग्जाम दे रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी से उन सब में शेयर करें ताकि आप अगर शेयर करोगे तो उनको इस वीडियो से काफी अच्छा बेनिफिट मिल पाएगा एग्जाम से पहले कौन सी चीजों के ऊपर फोकस करना है क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है सारी चीजें हम उस लाइव सेशन में देखने वाले हैं आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू चलो फिर लाइव सेशन में मिलेंगे एग्जाम से पहले उसके पहले आपको रिकॉर्डेड सेशन जो है वो मिलते रहेंगे ताकि आप छोटे छोटे कंसेप्ट को रिवाइज करते जाए और चैप्टर का जो बेस है वो क्लियर होते जाए थैंक यू वेरी मच बाय बाय ऑल ऑफ यू टेक केयर